हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने मीवी के बहुत सारे तो नहीं, दो या तीन TWS जो है वो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कर चुका हूँ, जिसका नाम था F40, F60 एंड A350। तो तीनों वीडियोस अगर आपने ये चैनल पे नहीं देखे तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और सारे जो TWS लॉन्च हुए हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज के आसपास लॉन्च हुए थे, पर बाद में ऑफर डेज खत्म होने के बाद में उनके प्राइजेस जो है बढ़ गए थे, अराउंड 1500 तक इनके प्राइस गए हुए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया TWS जो हम लोग के पास आया है मीवी की तरफ से, उसको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले। ये जो लॉन्च हुआ है, ये 16 को लॉन्च हुआ है, और इसका भी ऑफर प्राइस मैंने अगर जल्दी इसको अपलोड कर दिया और ऑफर डेज में आपको ये मिल गया तो ये आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा, 999 रुपीज में मिल जाएगा। और वो प्राइस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने TWS आज तक अनबॉक्स एंड रिव्यू किए उसके लिए वो बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले ये है मीवी की तरफ से नया TWS जो कि है डुओपॉड्स F50। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वगैरह आ रहा होगा, देख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर क्या है और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले वो सारा चीज मैं आपको बताता हूँ। और इसके टच फंक्शंस जो है वो मैं अभी अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपने मेरे A350 और F60 जो है उनके टच कंट्रोल्स के वीडियोस नहीं देखे तो वो जाके चेकआउट करना, क्योंकि वो उसके टच कंट्रोल्स और इसके ऑलमोस्ट सेम है। स्पेसिफिकेशन में भी ज्यादा आपको कुछ डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, पर इसका साउंड क्वालिटी देखते हैं क्या वो A350 से बेटर है या कुछ अलग है वो देखते हैं। तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, चलते हमारे डेस्क के ऊपर। तो जैसे कि गाइस अभी आप देख सकते हैं हम लोग डेस्क के ऊपर आ गए, और यहाँ पे मीवी का जो बॉक्स है वो है, और यहाँ पे हम लोग के पास नया एक कटर आया है जिससे हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके ऊपर का प्लास्टिक जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कट लेता हूँ, और यहाँ पे ये कट हो गया, काफ़ी शार्प है ये जो नया टूल मैंने लाया हुआ है। तो यहाँ पे कवर मैंने निकाल लिया, निकालने के बाद में यहाँ पे कुछ सील वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग ये कटर जो है उसको सेफली साइड में रख देते हैं, नहीं तो हमें हार्म होने की संभावना है। तो चलिए बॉक्स के ऊपर देखते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले मीवी के ब्रांडिंग है, ये जो ग्लॉसी फिनिश में आपको आ रहे हैं ईयरबड्स, इसका डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है या इमेज है। फिर यहाँ पे मॉडल नंबर है डुओपॉड्स F50 थ्रू वायरलेस ईयरबड लिखा हुआ है। फिर तीन बेसिक फीचर्स है, डीप पावरफुल बेस वो हम लोग साउंड टेस्ट में देखेंगे, फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको ये ईयरबड्स में मिलने वाला है। पीछे भी आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स है, HD स्टीरियो साउंड लिखा हुआ है, लॉसलेस ऑडियो, फास्ट चार्जिंग से इसके अंदर। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके साथ आपको सिर्फ वायर दिया जाता है, तो चार्जर जो है आपके 65 वगैरह वॉट से मत करना, आप 10-15 वॉट्स के चार्जर से इसको चार्ज करना, मतलब आपके पास अगर पुराने फ़ोन का चार्जर है तो उससे चार्ज करना, ताकि लॉन्गर रन में इसकी बैटरी जो है वो ज़्यादा डिग्रेड ना हो। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन है, यहाँ पे वन टच प्ले पॉज आंसर कॉल्स का ऑप्शन है, और प्राउडली मेड इन इंडिया है, 1 ईयर वारंटी भी आपको मिल जाएगा, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए फटाफट से अनबॉक्स करें, और आपके सामने ही मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये देखो हर बार की तरह इंडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा है इसका। और बॉक्स को थोड़ा सा साइड में करते हैं, और सबसे ऊपर आप देख सकते हो 1 ईयर वारंटी कार्ड का को एक पेज मिल जाएगा, पीछे की तरफ मीवी की ब्रांडिंग है, सामने आपको यूज़र गाइड मिल जाएगा, तो यूज़र गाइड पढ़ के भी आप इसके टच कंट्रोल जो है वो समझ सकते हो। हालांकि मैंने ऑलरेडी दो जो ईयरबड्स अनबॉक्स किए थे उनके टच कंट्रोल्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर लेना। बाकी इसको अभी हम लोग रखते हैं साइड में, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ आपको क्या मिल रहा है। वेलकम टू द क्रू हमेशा की तरह इन लोगों ने दिया हुआ है। हालांकि मैं मीवी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इतने सारे पेपर के अलावा एक QR कोड देना, सारा चीज़ दे देना, आजकल सब लोग डिजिटल चीज़ें कर रहे हैं, और उससे आपका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी चीज़ हो जाएगा। और एज ऑलवेज बॉक्स पैकिंग बहुत अच्छी है, और यहाँ पे मेरे को ये कलर काफ़ी अच्छा लगा है। हालांकि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको और भी कलर दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी न्यू मेटेलिक कलर्स इन लोग ने ये मॉडल के साथ लॉन्च किए हुए, तो जो आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हो। और सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गिफ्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि 1000 रुपये में और क्या ही चीज़ आपको मिल सकता है। तो फटाफट से ये बॉक्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चार्जिंग केबल मिल जाएगा, क्योंकि ये इन ईयर टाइप ईयरबड्स नहीं है, तो इसके वजह से आपको वो ईयरबड्स एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो नहीं मिलेंगे। देख सकते हो टाइप A टू टाइप C है,
और इतना केबल है। और इसके अंदर इस बार उन लोग ने ये जो टाई करने के लिए जो चीज़ देते हैं वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, देख सकते हो आप बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये फटाफट से साइड में रखते हैं और मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ये। और काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है ये, मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया, पहले मैं वाइट ही ट्राई करने वाला था पर इसमें और भी कलर जैसे वो कॉपर ब्राउन टाइप का कलर वो भी अच्छा लग रहा है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने इस बार सोचा कि ये ट्राई कर लेते। यहाँ पे ऊपर आपको ये जो बैटरी इंडिकेटर लेवल्स है उसका LED लाइट्स मिल जाता है। यहाँ पे मीवी का ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। देखो आपके जेब में भी आ जाएगा और आपके हाथ में भी अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप सी चार्जिंग देख सकते हो। तो चलिए ये बॉक्स को भी साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। ये देखो ओपन करते ही ऐसे आपको सामने दिखाई देगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। और इसको जब आप निकालते हो बॉक्स में से तब ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाता है, देख सकते हो आप ये ब्लिंक कर रहे हैं। और इसको वापस अगर आप इसमें रख देते हो ये आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर बता देगा। तो चलिए फटाफट से कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको डुअल माइक्स मिलते हैं, मतलब हर बर्ड में आपको माइक मिलेगा। तो अगर आप एक ईयरबर्ड भी कान में रखते हो और कॉल्स अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि दोनों में माइक दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको 13 mm का ड्राइवर मिलने वाला है जो कि काफ़ी ठीक ठाक साउंड जो है आपको देने वाला है। अगर प्लेबैक टाइम की बात करें तो इन लोगों ने क्लेम किया हुआ है 50 hours का प्लेबैक टाइम विथ केस। एंड अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो केस के अंदर आपको 500 mAh की बैटरी मिलने वाली है और बर्ड्स जो है उसके अंदर आपको 40 mAh की बैटरी मिलने वाली है। इसमें यह भी बताया हुआ कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो 10 मिनट के चार्ज में ये 10 hours तक आपको प्लेबैक देने वाला है। हालांकि ये सारा चीज़ जो बैटरी लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर, आपको कॉल्स कितने आते हैं, आप कितने लेवल पे आपके कॉल्स को रखते हो या फिर म्यूजिक को रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरेज मैं आपको बोलूंगा कि 20-30 hours का प्लेबैक टाइम मिल सकता है अगर आप हैवी या मीडियम यूजर हो। तो ऑन पेपर एंड एक्चुअल लाइफ में थोड़ा सा अलग रहता है, तो उतना आपको मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी मिल जाएगा और उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो अगर आपको जानना है तो इसके टच कंट्रोल्स का जो वीडियो है वो देख लेना। इसका नहीं है, इसके पहले जो लॉन्च हुआ है A350 का, F60 का, दोनों का मैंने टच कंट्रोल्स का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो चेकआउट करना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके टच कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। अगर इसके बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ये मेटेलिक फिनिश दिया हुआ है, मतलब इसके कलर जो है वो मेटेलिक है। तो इसमें एक कॉन है कि अगर मेटेलिक फिनिश है तो आपको इसमें स्क्रैचेस जो है बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं, पर ये जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। इसका जो लीड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, पर सारा जो बिल्ड है बर्ड्स का एंड जो केस है उसका ये प्लास्टिक बिल्ड है, पर उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल्सो अगर ईयर फिट की बात करें तो ये ईयर्स में अच्छे से फिट हो जाता है। मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे कुछ इसका फिटिंग आता है, देख सकते हो आप। दूसरा भी मैं पहन लेता हूँ, ये देखो दूसरा भी मैंने पहन लिया, ठीक है ऐसे कुछ दिखता है आपको। तो ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है कि आपके ईयर्स में ये अच्छे से बैठेगा या नहीं। अगर आपके ईयर्स में अच्छे से बैठ जाता है तो वैसे तो ये गिरेगा नहीं, पर कभी कभी आपको ईयर्स में जो है इरिटेट हो सकता है, क्योंकि मेरे को ये आईफोन स्टाइल के जो ईयरबड्स आते हैं वो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं कंपेयर टू जो सिलिकॉन टिप के साथ आता है, इन ईयर टाइप आता है उससे, तो मेरे को वो ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू दिस। पर ये भी अच्छे खासे फिट हो जाते हैं। तो अगर आपका ईयर्स का शेप ऐसा है कि उसमें ऐसे टाइप के ईयरबड्स फिट नहीं होते तो आप को अवॉइड करना, मतलब आप कहीं पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, एप्पल स्टोर्स वगैरह में जाके उनके बर्ड्स जो ऐसे टाइप के आते पुराने वाले वो लगा के देख सकते हो, या फ्रेंड्स जो है उनके पास भी आप जाके अगर उनके पास ऐसे है ईयरबड्स तो वो एक बार पहन के देख लेना कि आपके ईयर्स को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये ईयर्स फिट बिल्ट एंड डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं इसके साउंड टेस्ट के बारे में। तो इसका साउंड जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब जैसे हर WS मीवी के बोलता हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। डायलॉग्स क्लियर है, म्यूजिक में एंड OTT एप्स जब आप देखते हो तो उसमें आपको लेटेंसी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, अच्छा खासा साउंड आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस साउंड देखने को मिलेगा, ना ज्यादा बेस है ना ज्यादा ट्रिबल है, या फिर डायलॉग्स भी कुछ ऐसे फट्टे वगैरह नहीं है, अच्छे से आपको सुनाई देता है, तो प्रीटी गुड है वो मामले में, आपको कुछ भी इश्यू नहीं होने वाला है। तो अभी चलते हैं इसके माइक टेस्ट के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो ये मैंने पहना हुआ है मैंने ईयर्स में, और नीचे के साइड में इसके जो है वो माइक है। आई होप आपको मेरा वॉइस जो है आ रहा होगा, तो अगर मैं इसको पास में लेता हूँ तो आवाज़ बहुत फट रहा होगा, अगर मैं दूर
लेके जाता हूँ तो देख सकते हो कैसे आवाज आ रहा है। तो ऐसे इसका माइक क्वालिटी है, तो आप मेरे को बताना इसका माइक क्वालिटी कैसा है। अगर ईयर्स में पहनता हूँ तो ऐसे सुनाई देता है, हालांकि मैंने अभी तक इसको सुना नहीं है, मैं जब इसको एडिट करूंगा तब सुनूंगा। मेरा जो माइक है वो देखो यहाँ पे साइड में है, तो इससे कुछ आवाज नहीं आ रहा है, सब आवाज जो आ रहा है वो आपको यहीं से आ रहा है। तो आप मेरे को बता देना कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। तो ये मेरे पीसी से OBS से कनेक्टेड है, उसमें मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो पीसी का कोडेक थोड़ा अलग रहता है, मोबाइल का अलग रहता है, पर ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत सिमिलर माइक क्वालिटी इसका मिलने वाला है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि इसका साउंड क्वालिटी आपको कैसा सुनाई देने वाला है। तो जैसे कि आपने माइक टेस्ट इसका देख लिया, तो माइक टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, जो ये प्राइस रेंज में आते हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। अगर गेमिंग टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली इन लोगों ने फोकस गेमिंग पे किया नहीं, तो अगर आप कैजुअल गेमर हो या फिर आप ऐसे गेम्स खेलते हो जिसमें आपको जो ऑडियो डील है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कैंडी क्रश वगैरह, चेस वगैरह, तो लूडो वगैरह, तो वो आप इससे खेल सकते हो। पर अगर आप FPS गेम्स जैसे PUBG, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स लेजेंड वगैरह खेलते हो तो आपको पता होना चाहिए एनिमी कहाँ से आ रहा है। हालांकि आपको लोकेशन तो पता चल जाएगा, लेफ्ट राइट पीछे आगे कहाँ से आ रहा है एनिमी, पर आपको एग्जैक्टली वही टाइम पे नहीं बताएगा, थोड़ा सा डीले देगा। तो क्योंकि इसमें लो लेटेंसी जैसा कुछ नहीं है, तो इसके वजह से वो टाइप के गेम्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको गेम प्ले यहाँ पे वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना है, मैंने खुद टेस्ट किया तो उसमें मेरे को पता चल गया। अगर आपको गेमिंग TWS चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सा के TWS डाले हुए हैं, और उसमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी है। अगर मेरा कोड यूज़ करते तो उसमें कुछ डिस्काउंट है, अगर ऑनलाइन वेबसाइट पर उन लोगों ने कुछ डिस्काउंट कोड डाला हुआ है तो वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करके जाना, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, तो आपको TWS गेमिंग के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो गया गेमिंग के बारे में। तो कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल मैं आउट ऑफ 5 इसको 3.5-4 का रेटिंग देना चाहूंगा। म्यूजिक, बिल्ड क्वालिटी, ऐसे सबको मिला के ओवरऑल, तो इसमें आपको मतलब एवरेज ही बोल सकते हो। आप गिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हो या कैजुअल यूजर के लिए यूज कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ना इसका वॉइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना इसमें ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, नॉर्मली आपको मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए under 1000 rupees। ऑल्सो ये अगर 1200-1300-1400 का भी मिलता है तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पर अगर ऑफर डेज में अगर आपको 1000 rupees में मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो और अभी तक अपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो मतलब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अगर YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपको जब भी ऐसे टाइप के वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।